नवरात्र के मौके पर आज अनोखा आयोजन देखा गया, जहां स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे अपने शिक्षक और शिक्षिकाओं के साथ वृद्धाश्रम पहुंचे, बुजुर्गों के साथ भक्ति और फिल्मी गीतों का आनंद लिया, साथ ही बुजुर्गों के बीच बैठकर आशीर्वाद लिया और फल वितरित किए। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित श्री हरि वृद्ध आश्रम में माहौल उस समय बहुत खुशनुमा हो गया जब यहाँ के बचपन प्ले स्कूल के संचालक अभिनय वर्मा मासूम बच्चों को यहाँ बुजुर्गों से मिलाने लाए। ये मासूम बच्चे उनके पीड़ित प्रताड़ित वृद्धों की गोद में जाकर बैठ गए और बच्चों ने बुजुर्गों को कई पोएम भी सुनाई। चंदा मामा, दूर के और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार उनकी तोतली जुबान से सुनकर बुजुर्ग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। कोई उन्हें नमस्कार कर रहा था तो कोई उन्हें गुड मॉर्निंग कह रहा था। स्कूल संचालक अभिनव वर्मा ने बताया कि स्कूल के माध्यम से बच्चों में सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा देना भी हमारा उद्देश्य है, इसलिए बच्चों को वृद्धाश्रम लेकर आए हैं। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। मैं इंदिरा शर्मा, संचालक श्री हरि वृद्धाश्रम। आज हमारे बीच में नवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर उन्होंने हर छोटे छोटे बच्चे दादा दादी से ना सिर्फ आशीर्वाद लिया, प्यार दुलार दादा दादी ने किया, उन्होंने किया, दादा दादी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ये बड़ा ही अनूठा समय था, बड़ा ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा पर्व यहाँ पे मन रहा है। और उन्होंने अपने गानों पर झूम कर, नाच कर, दादा दादी के साथ में लाड़ दुलार करके यहाँ पर उनका आशीर्वाद लिया। ये बच्चे ना सिर्फ, ये वृद्धाश्रम संस्कार की पाठशाला है और भारतीय संस्कृति को छोटे छोटे बच्चों में कैसे समझे, भारतीय संस्कृति को वो कैसे समझे दादा दादी को, कि अपने घर के क्या दादा दादी होते हैं, उनकी किस तरीके से उनके साथ में व्यवहार किया जाता है, क्या उनका लाड़ दुलार होता है, ये सब हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। और उन्होंने बहुत ही अच्छी मनोरम प्रस्तुति यहाँ पर दी। सभी पूरा वृद्धाश्रम परिवार आनंद की अनुभूति इस अवसर पर कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अभिनय वर्मा है और मैं डायरेक्टर हूँ बचपन प्ले स्कूल। जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, वो दरअसल हमारी देश की जो है वो जड़ें हैं, और जड़ें अगर मजबूत होंगी तो आगे आने वाली पीढ़ी जो इस देश के भविष्य का निर्माण करने वाली है वो तभी आगे बढ़ पाएगी जब उसकी जड़ें मजबूत होंगी। तो कहीं ना कहीं कोशिश हमारी ये है कि संस्कार और संस्कृति की जड़ें जो हैं वो जितनी ज़्यादा गहरी होंगी उतना हमारा देश जो है इन बच्चों के माध्यम से आगे चल के तरक्की करेगा। और उसको पूरा करने के लिए एक छोटा सा प्रयास हम ये करते हैं, बच्चों को देखकर जो सभी वृद्धजनों के चेहरे पे और उनकी आंखों में जो चमक और खुशी आती है वो देखकर एक बड़ा ही मार्मिक पल होता है। हम भी भाव विभोर हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तसल्ली होती है कि कुछ ही देर के लिए सही, लेकिन हमने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया और जिसमें हमें भरपूर आशीर्वाद मिला। ईश्वर करे कि ये संख्या धीरे धीरे कम होती जाए, वृद्धाश्रमों का कल्चर खत्म हो जाए और अनाथ आश्रमों का भी कल्चर खत्म हो जाए, परिवार एकजुट होकर एक साथ प्रेम पूर्वक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।